फ्रेंड्स कैसे हैं। आई होप अच्छे होंगे। जैसा कि मैं हमेशा आपके लिए कंटिन्यू वीडियो बना के अपील करते आता रहता हूँ, सॉफ्टवेयर से रिलेटेड, हार्डवेयर से रिलेटेड सारे कंटेंट मैं यहाँ पे लेकर के वीडियो लेकर के आता रहता हूँ फ्रेंड्स। तो आई होप हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती होगी। तो अच्छा फ्रेंड, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो यूट्यूब पे हमारा स्मार्ट टेलीकॉम को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, जिससे हमारे नया नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। तो मैं आज अपडेट देने वाला हूँ MRT के ऊपर कि MRT जो अपडेट आया है तो वो क्या क्या अपडेट आया है, क्या अपडेट आप कैसे डाउनलोड करना है, सारा चीज़ मैं स्टेप बाय स्टेप आपको इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। तो वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा। मैं आपको बेसिक कुछ चलाना भी वहाँ पर आपको बता दूंगा कि आप कैसे उसको यूज कर सकते हैं। सारा चीज एक नॉर्मल तरीके से मैं आपको एक हाईलाइट कर दूंगा कि उसमें क्या क्या चीज आप यूज कर सकते हैं। तो सारा चीज के लिए चलिए तो वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। उसके बाद सबसे पहले हम यहाँ पे MRT को ओपन ही कर लेते हैं। तो MRT हम यहाँ पे देखिए MRT का 3.95 MRT का वर्जन आया है, लेटेस्ट वर्जन। अभी जो वर्जन चल रहा है वो MRT का 3.95 जो इसका वर्जन है, हम इसको रन करेंगे और खोलेंगे। तो अगर आप विंडोज 10 यूजर हैं या फिर 7 यूजर हैं, कभी इन केस आपका ये नहीं खुलता है तो डायरेक्टली आप इसको विनरार से अंदर जा करके आप डायरेक्टली यहाँ से अंदर से भी इसको रन आप कर सकते हैं ये सारा चीज़। तो जब तक वो हमारा रन हो रहा है तब तक मैं आपको बता दूँ फ्रेंड्स कि आपको ये डाउनलोड कहाँ से करना है सारा चीज़। आपको यहाँ पे MRT लेटेस्ट सेटअप आप लिखेंगे तो MRT के आप फॉरम में आप पहुँच जाएंगे। सिंपल सा, तो आप देख सकते हैं MRT का जो अभी वर्जन आया है 9.38, उन्होंने ऐड किया है ओप्पो MTK 6779 चिप को यहाँ पे सपोर्ट किया हुआ है। जैसा कि आप देख सकते हैं MRT का जो वर्जन आया है वर्जन 3.95, तो यहाँ पे हम कर देते हैं यस। तो वो हमने जो स्टैक किया था वो हमारा ओपन हो जाएगा। ये देखिए जो हमारा ओपन नहीं हो रहा था फ्रेंड वो हमारा ओपन हो जाएगा। तो इसको ओपन होने से पहले, इसको हम बताने से पहले थोड़ा सा मैं हाईलाइट करना चाहूंगा कि इसके अपडेट के बारे में सारी चीज़। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो इसका वर्जन अपडेट आया हुआ है ये सारा चीज़ यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसमें कौन कौन से मॉडल ऐड किए उन्होंने मैं ये भी आपको बता देता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं ओप्पो का A93, ओप्पो F17 Pro, F19 Pro, Reno 2Z, Reno 3, Reno 3 Pro, यहाँ पे Reno 4 Lite, यहाँ पे Reno 5S, यहाँ पे Reno Z भी सपोर्ट है। MediaTek से रिलेटेड होगा ये CPU, क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो यहाँ पे इन्होंने सपोर्ट डाला है वो MTK CPU का डाला हुआ है। आप यहाँ पे देख सकते हैं सीधा सीधा लिखा हुआ है MTK CPU। तो यहाँ पे जो हम पढ़ाते भी हैं वो प्रॉपर वाइज वाइज CPU वाइज भी हम पढ़ाते हैं यहाँ पे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं MRT का जो अभी अपडेट आया है, मैं आपको अपडेट बताना चाह रहा हूँ। मैं यहाँ पे खोल के भी आपको दिखाऊंगा कि क्या एक्चुअल में ये मॉडल आ रहे हैं कि ये मॉडल नहीं आ रहे हैं सारे। तो आप सीधा यहाँ पे क्लिक पे आप एंटर करेंगे, आप डायरेक्ट यहाँ पे मैं इसके डिस्क्रिप्शन पे लिंक भी दे दूंगा, जिससे आप बहुत ईजी तरीके से आप यहाँ पे जा करके इसके अपडेट को पढ़ सकते हैं और बहुत ही ईजी तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं। तो सारा चीज़ यहाँ पे आप देख सकते हैं, आप वन क्लिक करेंगे तो डाउनलोड होना चालू हो जाएगा, जैसा कि हमने यहाँ पे डाउनलोड करके रखा हुआ है। तो मैं यहाँ पे आपको दिखाना चाहूंगा, ये देखिए डाउनलोड हो चुका है MRT वर्जन 3.95। और यहाँ पे आप कंटिन्यू अपडेट भी पा सकते हैं कि जब आप इसको रिफ्रेश करेंगे पेज को, आप इसके MRT के फॉरम में आप जाएंगे तो आप हमेशा देखेंगे कि जो MRT का जो ये फॉरम है इसमें क्या क्या अपडेट है, ये सारा चीज आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है फ्रेंड। तो MRT का जो है, MRT की का जो है, आपको यहाँ पे सब कुछ सेक्शन देखने को मिल जाता है। तो देख सकते हैं MRT का जो वर्जन वर्जन 3.95 अभी करंट का वर्जन चल रहा है। तो ये सारा चीज अपडेट मैं इसीलिए आप करके लेकर के आता रहता हूँ फ्रेंड। तो आई होप आप भी जैसे ही डिस्क्रिप्शन के लिंक में क्लिक करेंगे और आप वहाँ पे डायरेक्ट पहुँच जाएंगे। तो आई होप आप यहाँ से डाउनलोड बहुत ही तरीके से कर लेंगे। अब चलिए मैं MRT को ओपन जैसे हमने कर लिया है, अब MRT को आपको बता देते हैं कि कैसे क्या आप यूज कर सकते हैं। तो ये देख सकते हैं MRT का जो वर्जन है 3.95 यहाँ पे जो वर्जन चल रहा है। ये ओप्पो ओप्पो में जो इन्होंने मॉडल बताए थे कि अभी भी मॉडल हम चेक कर लेते हैं कि यहाँ पे मॉडल उन्होंने ऐड किए हैं कि नहीं किए। F19 Pro, यहाँ पे रियलमी के भी काफी सारे मॉडल जो 20 भी ऐड कर दिया है यहाँ पे इन्होंने, देख सकते हैं यहाँ पे मेटा न्यू लॉक और यहाँ पे मेटा अनलॉक एंड्रॉयड 11, यहाँ पे भी बहुत इसी तरीके से आप अनलॉक कर सकते हैं MRT टूल। काफी अपडेट यहाँ पे ये अपने आप को कर रहे हैं। तो ये देखिए F19, F17 Pro, आपको यहाँ पे सीधा M17 Pro पे क्लिक करना है और यहाँ पे आप देख सकते हैं ओप्पो F19 Pro, आप यहाँ पे भी क्लिक करेंगे और सीधा आपको क्या करना है, फॉर्मेट अनलॉक और कर देना है स्टार्ट बटन। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सर्चिंग फॉर मोबाइल कॉम पोर्ट। अब फोन को हमारे पास तो फोन भी है नहीं, ये तो मैं आपको कनेक्ट करके प्रॉपर तरीके से यहाँ पे दिखा देता। तो ये देख सकते हैं काफी सारे मॉडल्स यहाँ पे ऐड इन्होंने कर दिया है फ्रेंड। आप देख सकते हैं Reno 3 Pro भी यहाँ पे, जो कि MediaTek CPU है,
जो कि हमारे पास, मैं खुद यूज करता हूँ रेनो 3 प्रो। अगर इन फ्यूचर कभी ऐसा होगा तो मैं इस पे खुद वीडियो बना दूंगा। तो सीधा आपको फॉर्मेट पे क्लिक करना है और यहाँ पे सर्चिंग बटन पे स्टार्ट बटन लेना है। तो मैं आपको दिखाना चाहूंगा फ्रेंड्स, जिन्होंने ऐड दिया था मैंने एक जगह पे मिसिंग कर दिया, जो यहाँ पे मैं इसके अपडेट के बारे में भी प्रैक्टिकल दिखा देता हूँ। जब आप इसके नीचे आएंगे और यहाँ पे नीचे आएंगे तो ये देखिए आप फ्रेंड, आप देख सकते हैं जो इन्होंने सीपीयू ऐड किया है 6769। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक मॉडल का इन्होंने प्रैक्टिकल किया हुआ है। यहाँ पे आपको इसका मॉडल मैं बता देता हूँ, इसका मॉडल है ओप्पो का, ओप्पो का, ओप्पो का, ये जो मॉडल है ओप्पो का इन्होंने ऐड किया हुआ है। ये देखिए ओप्पो का रेनो 5F जो इन्होंने ऐड किया हुआ है, ये इसका प्रैक्टिकल आपके सामने दिख रहा है। एंड्रॉयड वर्जन 11 है। यहाँ पे आप सारा चीज यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स की इन्होंने देखी बहुत इजीली तरीके से। यहाँ पे अनलॉकिंग 100% सक्सेसफुली 93.95 का इन्होंने दिखाया हुआ है। तो यहाँ पे जो इन्होंने सेट किया है रेनो 5F, तो हम भी थोड़ा सा इसको खोल लेते हैं। रेनो F5 ये देखिए ये मॉडल का था। और सीधा आपको सिंपली करना है फॉर्मेट FS और कर देना है सीधा स्टार्ट, और फोन को अप और डाउन से कनेक्ट कर देना है। या तो डायरेक्ट पहले आप अप और डाउन से ही कनेक्ट करेंगे, और आपका देख सकते हैं यहाँ पे इसका जो सक्सेस रिजल्ट है, आप यहाँ पे ये देख सकते हैं फ्रेंड, इसका सक्सेस रिजल्ट है। आई होप ये सारी चीजें हैं। तो मैं छोटा सा और इसको फटाफट हाईलाइट कर देता हूँ। ऐसा नहीं कि अभी जो अपडेट आया है वो प्रॉपरली MTK के ऊपर आया था, कि MTK CPU इन्होंने ऐड किया हुआ है। और इसके साथ साथ आप देख सकते हैं कमेंट में भी इन्होंने भी किया हुआ है ये कि इनका भी सक्सेस हो चुका है। आप देख सकते हैं 5 hours, ये देखिए जॉब डन, इन्होंने भी एक मैसेज डाला हुआ है, मतलब ये 100% वर्क कर रहा है जो भी इन्होंने अपडेट किया हुआ है फ्रेंड्स। तो उसके बाद मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपको यहाँ पे वीवो, साउमी, ओप्पो हर एक मॉडल जो है आप यहाँ से बहुत अच्छा, इनमें लोडर है, आप यहाँ पे बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। जैसे साउमी, हवाई, हवाई के भी वीडियो आप काफी तरीके से आप जानते ही हैं। आप हवाई टैब में क्लिक करेंगे और यहाँ पे एक नया टैब ओपन हो जाएगा, जैसा कि देखिए फटाक से एक न्यू टैब ओपन हो चुका है। यहाँ पे देख सकते हैं क्या क्या टैब है। आप यहाँ से फ्लैशिंग कर सकते हैं, आप यहाँ से अनलॉकिंग कर सकते हैं, आप यहाँ से सॉफ्टवेयर वर्जन, और यहाँ से आप जा करके पासवर्ड मोड रीडिंग को या फिर इरेज FRP कर सकते हैं। ADB टूल का इन्होंने एक्स्ट्रा फंक्शन यहाँ पे डाला हुआ है। उसके बाद 2.60 में भी काफी सारा MTK और क्वालकॉम का काफी सारा सपोर्ट डला हुआ है। सारा चीज यहाँ पे आप देख सकते हैं, डिवाइस मैनेजर, और ये सारी चीजें मैं यहाँ पे इस वीडियो में आपके लिए, आई होप ये वीडियो आपको अगर अच्छी लगी है फ्रेंड, तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे हमारे नए नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। आप स्मार्ट टेलीकॉम, ये देखिए ये हमारा चैनल है, आप सर्च करेंगे स्मार्ट टेलीकॉम, ये हमारा चैनल दिख जाएगा। आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए। ऐसे ही नए अपडेट मैं आपको हमेशा देते रहूंगा। कि आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मेरे टेक से रिलेटेड MRT वालों ने 3.95 में ऐड किया है विद सक्सेस रिजल्ट के साथ, मैंने आई होप आपको दिखाया है ये सारा चीज़, और आप वीडियो भी जा करके देख सकते हैं। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।